मान। भगवान श्री राम के महान भक्त थे। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। इनके किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने हैं। हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों सालों बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हमें उनमें हिंदू धर्म के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन शेष रहते हैं हनुमान जी जिनके मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलती। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर थे। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास और राघवेंद्र स्वामी जैसे महापुरुष शामिल है। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद है जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं, और हनुमान जी हर उस जगह आ जाते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाता है। वहीं दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां ऐसे पैरों के निशान बने हुए हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है। दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इस तरह के विशालकाय पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं, और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा। अमेरिका में कई लोगों ने काफी बार एक विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी एक मंकी नामक भगवान की पूजा करती थी। इसके अलावा चीन की दंत कथा में भी एक मंकी किंग का जिक्र मिलता है, जो बहुत हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं, और ये सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर हमारे बीच मौजूद है। इस बात का प्रमाण हमें श्रीलंका में रह रहे एक आदिवासी कबीले से मिलता है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था, तब हनुमान अयोध्या छोड़ भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में पिदुरु पर्वत की तरफ चले गए, जहां जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। वापस लौटते वक्त उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें ये वचन दिया कि वे हर 41 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनकी पीढ़ी को आत्म ज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया, काल तंतु कारे चरन्ति एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरिष्णु, और इस मंत्र को देते हुए कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। पर उन कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि यदि ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया और वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तब क्या? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि ये मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहाँ ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहाँ से 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्चा विश्वास ना रखता हो। खैर, मजेदार बात ये है कि ये जंगली आदिवासी समुदाय आज भी मौजूद है और श्रीलंका के जंगलों में बाहरी समाज से एकदम दूर है। इनका रहन सहन और पहनावा और भाषा भी प्रचलित भाषा से एकदम अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु नामक एक आध्यात्मिक संगठन ने इस आदिवासी समुदाय की कुछ अजीब गतिविधियों को नोटिस किया। इस संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूह से उन्हें जो जानकारी मिली उसे वे जानकर हैरान रह गए। दरअसल ये अजीब गतिविधियां एक पूजा का हिस्सा थी जो हर 41 साल में हनुमान जी के आने पर
41 साल में हनुमान जी के आने पर की जाती थी। और ये लोग इस अजीब एक्टिविटी को इसलिए करते थे क्योंकि हनुमान जी उस समय उनके साथ थे, सिर्फ कबीले वाले उनको देख सकते थे। सेतु अनुसार इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग ने हनुमान जी के द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक एक मिनट का विवरण अपनी एक पुस्तिका हनु पुस्तिका में नोट किया है। हनु पुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 27 मई 2014 में कबीले वालों को आत्मज्ञान देकर वहां से चले गए और इसके बाद अब वे 41 साल बाद यानी कि 2055 में आएंगे। ये पुस्तिका अब सेतु एशिया नाम के एक धार्मिक संगठन के पास है और वो लोग इस पुस्तक को पिदुरु पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने